मैं रोशन कंसल हूं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है केशवपुरम डिस्ट्रिक्ट, केशवपुरम जिला, उसका अध्यक्ष के नाते मुझे पार्टी ने जिम्मेवारी दी हुई है और उसी नाते मैं उस परिवार से मिलने गया और 1 लाख रुपए का चेक दे के आया। नहीं सर, 1 लाख रुपए का चेक दिया है, अगर वो कहे हैं तो मैं अभी कैश देता हूँ, मैं आपके मीडिया के उससे कर रहा हूँ ऐसा नहीं। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैंने इलाहाबाद बैंक में बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी का खाता खुलाया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 1 लाख रुपए दिया था और वो भी पैसे उसके अंदर है नहीं, अकाउंट में पैसे नहीं है। और मेरा भी 600 रुपये दे के मैंने खुलवाया था और उसमें से 300 रुपये मेरा भी कट चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक जा सकती है, ये उसका एक और उदाहरण है। कुछ समय पहले एक हादसे में हमारे यहाँ लाल बहादुर जी की मौत हुई, दर्दनाक एक हादसा था, तो उस वक्त बीजेपी को शायद उपचुनाव नज़र आ रहे थे, तो हर रोज़ उनके घर पे कोई पहुंच रहा था, बड़े बड़े बयान दिए, उनके घर के बाहर पूरा मंच लगा के, शायद वो जो मंच और व्यवस्था उन्होंने की थी उस पर उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए। वहाँ पे उनके पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, 15-20 काउंसलर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सब पहुँचे और बड़ी उम्मीद से वहाँ 1 लाख रुपये का चेक इस परिवार को दे के गए। और आज जब मुझे पता चला कि वो 1 लाख रुपए का चेक भी वो बाउंस हो गया, जबकि उस प्रोग्राम को करने में उन्होंने 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दिए और चेक ही बाउंस हो गया इस परिवार से, इतना वो मजाक जो करके गए वहाँ पे, वो बड़ा उस टाइम अनाउंसमेंट करके गए थे कि मनोज तिवारी जी आएंगे, इनको 5 लाख रुपये का चेक और दे के जाएंगे। लेकिन जैसे ही अगले दिन कोर्ट का फैसला आया कि उपचुनाव नहीं हो रहे दिल्ली में, उस दिन के बाद से अभी इन्होंने मुझे आके बताया है कि कोई भी इनसे मिलने नहीं आया।